जय श्रीमन्नारायण। अगली टिप्पणी जौन हम कहब उ रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा बताई गया है। अध्याय 15 पुरुषोत्तम प्राप्ति योग श्लोक 5। निर्माण मोहा जित संग दोषाः अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वंद्वैर विमुक्ताः सुख दुख संज्ञैः गच्छन्त्य मूढाः पदमव्ययं तत् गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी का पुरुषोत्तम प्राप्ति योग के शिक्षा देता है। परमात्मा कहता है, हे अर्जुन, हमरी शरण में आवे से धीरे धीरे ये भ्रम दूर हो जाते है कि शरीर ही आत्मा है और ये ज्ञान प्राप्त होते है कि शरीर आत्मा से भिन्न है। इस ज्ञान के कारण क्षणिक सुखों में जो केवल शरीर से संबंधित हैं रुचि खत्म हो जाते, फिर शाश्वत आत्मा का अनुभव करे की इच्छा पैदा होते। आत्मदर्शन या आत्म साक्षात्कार में रुचि रखे से आत्मा के अलावा अन्य सभी इच्छाएं नष्ट हो जाते हैं। आत्म साक्षात्कार में ये रुचि इस संसार में उत्पन्न होए वाले भौतिक सुखों और दुखों से वैराग्य की स्थिति की ओर ले जाते, फिर वे शुद्ध आत्मबोध के स्थिति प्राप्त करते हैं जो उनकी अविनाशीय है। ऐसा कहके श्री कृष्ण परमात्मा स्पष्ट करता है कि केवल उनकी शरण में जाए के ही आदमी आत्म साक्षात्कार के स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आओ हम श्री कृष्ण परमात्मा की शरण ली, ई ज्ञान प्राप्त करी कि शरीर आत्मा से भिन्न है, जिससे आत्मज्ञान प्राप्त होते है, आत्मा का देखे में हमारी रुचि बढ़त है, आत्मा के अलावा अन्य चीज़ों के लिए इच्छाएं नष्ट हो जाते हैं और शरीर के सुख और दुख से मुक्त होए के स्थिति प्राप्त होते है। आओ हम अविनाशी शुद्ध आत्म साक्षात्कार की स्थिति प्राप्त करे के लक्ष्य रखी। हम सब ये अभ्यास करते हुए आओ हम श्रीमन नारायण का प्राप्त करब अपने जीवन के लक्ष्य बनाई, केवल श्रीमन नारायण के शरण ली और श्री कृष्ण परमात्मा के शब्दों का श्लोक के रूप में यथा स्वरूप दोहरावे के प्रयास करी। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वंद्वैर विमुक्ताः सुख दुख संज्ञैः गच्छन्त्य मूढाः पदमव्ययम् तत्। श्रीमद् भगवत गीता के पूरा निचोड़ श्री कृष्ण परमात्मा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 के 8 कर्मों में रख दिए हैं। श्री कृष्ण कहें, ये 8 बात मानने वाले पे हमार स्नेह है, ये भक्तन की हम हर प्रकार से सुरक्षा करें। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा कही पूरी श्रीमद् भगवत सुने के बाद अर्जुन कहें, करिष्ये वचनम तव, माने कृष्ण हम तोहरे कहे अनुसार ही करब। यह कारण कृष्ण अर्जुन पे हर तरह की विजय असफलता के अनुकंपा करें। चला हमो परमात्मा के वचन दी कि हम भी ये 8 कर्म करब। ये वचन से बढ़ के कोनो पूजा तप या यज्ञ नहीं बा। हम ये 8 वचन कहब, आप सब जने एक अपने मने और बुद्धि में विचार करें। इस प्रकार श्री कृष्ण के निज वचन देत समय परमानंद से प्रकाशित श्री कृष्ण के मुखमंडल के अनुभूति भी करें। जय श्रीमन्नारायण। हमारे 8 वचन ई हैं। हमार प्रथम वचन, हे श्रीमन्नारायण, आपके निर्देशानुसार हम आपके ध्यान और चिंतन करब। हमारा दूसरा वचन, हे श्रीमन्नारायण, आपके समझाए अनुसार हम सदा आपके भक्त रहब।
हमारा तीसरा वचन, हम अपन सारा कर्म आपके संतोष और सेवा के लिए ही करब। हमारा चौथा वचन, जैसा आप कहें हमका पूरा विश्वास है कि हम आपके हैं और हम सदा आपका करबद्ध नमस्कार व पूजन करब। हमारा पांचवा वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपके कथन मामेकम शरणम ब्रज अनुसार केवल आपकी शरणागत की बात कही बा। श्रीमन नारायण, हम केवल आप एक शरण में आए हैं। हमारा छठा वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपे कहे मा शुचः, मैं आपके शोक न करे के उपदेशानुसार हम शोक न करब। हमारा सातवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने हमरे खातिर श्रीमद् भगवद गीता दे के हम पे बड़ी कृपा की है, हम नियम से एक श्लोक रोज सुनब या पढ़ब। हमारा आठवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने सारे लोग के लिए गीता दी है, जे भक्तन गीता के बारे में नहीं जानतन हम उन तक आपके अलौकिक बतिया पचावे के प्रयत्न करब। अभय हम परमात्मा से अपन आठ वचन बताए। श्रीमन नारायण कया वचन देव कि हर दिन जैसा वो कहे हैं हम वैसन करब, यह एक महान पूजा है। आवा हम अपने अडिग विश्वास के साथ उनका अपन वचन दी कि हे श्रीमन नारायण, आप जैसा कही हैं हम वैसन करब, जैसा आप चाहिए वैसा ही व्यवहार करब और हम केवल आपे के लिए काम करब। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तब, माने श्रीमन नारायण हम आपके निर्देशानुसार कार्य करब। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। निर्माण मोहा जित संग दोषाः अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुख दुःख संज्ञैः गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्। ॐ निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्। जय श्रीमन्नारायण। सभी भक्तन से विशेष अनुरोध, हमारे जीवन में सारी चीज़ों में हम तत्काल और प्रभावी परिणाम चाहते हैं। यही की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन एक मिनट व्यतीत करें और नारायण आश्रम पढ़ें। नारायण आश्रम प्राप्त करने के खातिर नारायण आश्रम वेबसाइट www.narayanashram.org पे जाके पंजीकरण में अपन नाम और ईमेल दें। आपकी ईमेल पे आपको एक नारायण आश्रम पीडीएफ तुरंत मिल जाए। पीडीएफ में एक रामायण श्लोक, एक गीता श्लोक और एक विष्णु नाम बा, तीनों का एक साथ नारायण आश्रम कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के इन श्लोकों के भिन्न भिन्न संयोजन प्राप्त होते हैं। जब सब 24,000 भक्तन के साथ प्रतिदिन अपने नारायण आश्रम का पढ़त हैं या सुनत हैं, तो संपूर्ण रामायण पारायण का एक माला, श्रीमद् भागवत गीता पारायण के 33 माला, श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्त्रोत पारायण के 24 माला प्रतिदिन पूरी होत। एक ऐसा उल्लेखनीय और असाधारण परिणाम है जो हर दिन ऐसा करे से निकलत। एक के लिए आप और आपके परिवार वाले तुरंत जाके अपन नारायण आश्रम प्राप्त करें। जय श्रीमन नारायण।